कौन है? कौन कौन है? गाड़ी का नंबर बता। क्या? गाड़ी का नंबर बता। क्यों? सब तीनों टेम्पो गायब है। गायब है? अरे ऐसे कैसे गायब है? चमोली से चले तो थे वो। चले तो थे, तीनों से बात हुई मेरी। बसंतपुर गांव के आगे निकले नहीं है। निकले नहीं मतलब? दिमाग ठीक है तेरा? बोल क्या रहा है तू? ढाबे और चमोली के बीच में कोई सड़क भी निकलती है और फिर तीन टेम्पो। उन्हें का जमीन खा गई या फिर आसमान निकल गया? गड्डी को रोक देती है और किसी ने बाइक अड़ा रखी है यार बीच में। टिप्पर मार सड़े गए। ओए गाड़ी हटा नहीं तो मैंने ठोक देनी है। देख रुको मैं भी आता हूँ। गाड़ी बीच में खड़े करने का क्या मतलब? अरे ये क्या है? फैंसी ड्रेस। गाड़ी का नंबर बता। गाड़ी का नंबर बता। भाग ले बेटे। गाड़ी का नंबर बता। कौन है बे? समय खत्म। तेरी साले की। हेलो कंट्रोल रूम, मैं क्लियर है। यहाँ कुछ नहीं मिला हमें। पूरी रोड खाली है, कोई गाड़ी नहीं। ओके जयदीप, इधर सब क्लियर है। उधर भी रूट क्लियर है जनाब। देखो सारी रात पेट्रोलिंग करनी है, हर गाड़ी को चेक करना है और उनका नंबर नोट करना है। जी जनाब। समझ में नहीं आ रहा है कि ये गाड़ियाँ कौन गायब कर रहा है। जनाब अभी तक 7 गाड़ियां लापता हैं, 2 स्कूटर, 2 कार और 3 टेम्पो। जो कोई भी हरकत कर रहा है वो इसी सड़क पे है, पर वो कहां से आ रहा है और जा खा रहा है ये समझ से बाहर है। जनाब यहां दूर दूर तक कोई आबादी और गांव भी नजर नहीं आ रहा। तुम देखते रहो, इससे पहले कि बात दहशत बन के फैले हमें उसे पकड़ना होगा। जी जनाब। पता नहीं साहब कहाँ से आई है ये गाड़ी, यहाँ तो कोई सड़क भी नहीं है। सर कोई टायर के निशान भी नहीं है। इतने नीचे से ये गाड़ी ऊपर तक कैसे आ गई? ना कोई रास्ता है ना कोई निशान। साहब ये मोबाइल फोन गाड़ी में मिला, स्विच ऑफ है, और ये 2-3 आई कार्ड भी मिले। जितेंद्र तोमर, बादल राम, आशा जोहल, दीपक बंगवाल, विजय पतिराम यादव, जयदीप, इनके घर वालों से कांटेक्ट करो। जी जनाब। साहब यहाँ से 1.5 किलोमीटर दूर जंगल में एक और गाड़ी खड़ी है। वो गाड़ी थे। सर जंगल में भी कोई रास्ता नहीं है, फिर इतना बड़ा टेम्पो कैसे आ गया? ये गाड़ी है पहुंची कैसे? सर को इन्फॉर्म करता हूँ। हाँ सर एक गाड़ी और मिली है सर, ना गाड़ी के अंदर कोई नहीं है। गाड़ी किसी दिल्ली के ट्रांसपोर्टर के नाम पे रजिस्टर्ड है, भूरेलाल खत्री। ना ड्राइवर है ना क्लीनर सर, टायर का निशान भी नहीं है सर। मेरी समझ में नहीं आ रहा है गाड़ी यहाँ पहुंची कैसे। ओके सर। कहाँ रह गया ये अनिकेत? कब से फोन स्विच ऑफ आ रहा है? कल शाम चमोली से निकला था तो फोन आया था उसका। यहाँ दिल्ली तक 2 घंटे लगते हैं, अब 30 घंटे हो गए, पता नहीं कहाँ रह गया वो। चमोली से निकलने से पहले बात हुई थी तुम्हारी उससे? हुई तो थी। हाँ भाभी बस निकल रहा हूँ इधर से। भाभी रमेश भाई का नंबर क्यों नहीं मिल रहा है? अरे वो दुकान पर होंगे, वहाँ नेटवर्क कहाँ होता है। अच्छा सुन तू सीधा घर ही आ रहा है ना? अरे भाभी सीधा घर ही आऊंगा, बस पहुँचते पहुँचते थोड़ी देर हो जाएगी। वो क्या है ना थोड़ा ट्रैफिक कम है, 1.5 से 2 घंटा लगेगा पहुँचने में। भाभी तड़के वाली दाल और फुलके बना के रेडी रखना। अरे तो घर आ तो जा, तेरे लिए चिकन बना के रखा है आज। अरे भाभी तुसी ग्रेट हो यार। चल जल्दी घर आ जा। बाय। अनिकेत मेरे भाई, अनिकेत भैया बचा लो, भैया बचा लो। अनिकेत भैया बचा लो मुझे, मैं आ गया मेरे भाई, भैया मैं आ गया मेरे भाई। दीपा वो अनिकेत उस सड़क पे था। एक रोशनी थी उसके पीछे। नहीं अनिकेत 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 मुसीबत में है। रमेश रमेश तुमने कोई बुरा सपना देख लिया है? सब कुछ नहीं हुआ हमारे अनिकेत को। नहीं नहीं अनिकेत, अनिकेत मेरे भाई अनिकेत, ठीक है बचा लो मुझे। अनिकेत तू कहाँ है मेरे भाई? मैं अभी आ रहा हूँ। कहाँ है तू अनिकेत? बोला अनिकेत। हाँ अनिकेत कोई मुसीबत है, ठीक है बचा लो मुझे। दीपा अनिकेत किसी मुसीबत में, मुझे जाना होगा, मुझे अभी जाना होगा। दीपा मुझे जाना होगा। कहाँ जा रहे हो तुम? भाई साहब इस लड़के को देखा आपने कहीं? भाई साहब सुनिए ना, इस लड़के को ये देखा है आपने? भाई साहब सुनिए ना, इस लड़के को आपने कहीं देखा है? मेरा भाई है, काले रंग के बाइक पे था, 20-21 साल की उम्र है, देखा कहीं? नहीं भाई नहीं देखा। पता चला अनिकेत का? पूरी सड़क छान मारी लेकिन कुछ पता नहीं चला। हर ढाबे पे पूछा लेकिन नहीं। फिर अब क्या, वापस घर आ रहा हूँ। कल सुबह फिर यहाँ पे आऊंगा। हाँ ठीक है आ जाओ तुम। बस आ रहा हूँ। अनिकेत भैया बचा लो मुझे। कहाँ है तू मेरे भाई? बोला अनिकेत, मेरे भाई कहाँ है तू? अनिकेत अनिकेत तुम ही हो ना? अनिकेत तुम हो ना? भैया बचा लो मुझे। कौन हो तुम? गाड़ी का नंबर बता। तुम तो वही हो ना जिसे मैंने अपने सपने में देखा था? गाड़ी का नंबर बता। अरे और ये अनिकेत की घड़ी तुम्हारे पास कहां से है? ये मेरे भाई की घड़ी है। मेरा अनिकेत कहां है? बोलो। गाड़ी का नंबर बता। क्या? गाड़ी का नंबर बता। पहले तुम बताओ मेरा भाई अनिकेत कहां है? बोलो। समय खत्म। ये मत पूछो कौन था, ये पूछो कि ये क्या था। मतलब राक्षस था, राक्षस बाइक पे सवार। उसकी हेडलाइट की रोशनी ऐसे लग रहा था मानो मुझे अपने अंदर खींच रही है। मैं मैं वहां से भागा जान बचाकर। दीपक, अनिकेत किसी मुसीबत में, बहुत बड़ी मुसीबत में। पर तुम ये कैसे कह सकते हो? उस राक्षस के हाथ में अनिकेत की घड़ी थी। क्या? हाँ, हमें ऐसे किसी से बात करनी होगी जो इन सब चीजों के बारे में जानता है। अरे कहाँ जा रहे हो तुम? राघव के पास मेरा दोस्त है, वो इन सब चीजों के बारे में जानता है। जरूर कोई ऐसा मंत्र जानता होगा जिससे इस राक्षस को अपने वश में किया जा सके। राघव, तो कुछ करना यार। यार भाई फंस गया है मेरा। वो मेरा भाई नहीं है, मेरे बेटे की तरह है। और वो बाइक वाली चीज, उसके पास मेरे भाई की घड़ी थी। कुछ करना यार, मेरा भाई फंस गया है। तुझे पक्का यकीन है कि तेरा भाई इस दुनिया में है? क्या बात कर रहा है यार, बिल्कुल है मेरा भाई। मेरी फोन पे बात हुई उससे, उसने मुझे बोला मुझे बचा लो भैया, मुझे बचा लो। देख यार, ये भूत पिशाच प्रेत ये रूप तो बदलते हैं, अपनी आवाज भी बदल देते हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि वो जो आवाज तूने सुनी थी वो तेरे भाई की थी या... देख राघव, तुझे मेरी मदद करनी है तो कर, मुझे ऐसे मायूस मत कर। अपने भाई के लिए मैं किसी भी पिशाच से लड़ जाऊंगा। तुझे चलना है या नहीं बोल मेरे को। चल, जैसे ही वो सामने आएगा हमें रुक जाना है, फिर मैं कुछ क्रिया करूंगा। समझ गया? समझ गया। बस एक बार वो कब्जे में आ जाए, बाकी मैं उसकी जबान खींच कर अंकित के बारे में पता करूंगा उससे। इतना आसान नहीं होने वाला है। बस यार, तू एक बार मंतर वंतर मार के उसे वश में कर ले, बाकी मैं सब देख लूंगा। रमेश कहाँ है तू? रमेश, मैं तो यही हूँ, पर तू कहाँ है? मैं स्पीड लिमिट के बोर्ड के पास खड़ा हूँ। तू कहाँ है? अरे मैं भी यही हूँ, स्पीड लिमिट के बोर्ड के पास। क्या मजाक कर रहा है तू यार? तू बीच जंगल में यार, तू हद है। कहाँ है तू? क्या लुका छुपी खेल रहा है तू यार? स्पीड लिमिट के बोर्ड के सामने खड़ा हूँ मैं। देख, ये दिख रहा हूँ मैं तेरे को। अच्छा, तो तू सामने है। सामने किधर? हेडलाइट बंद कर यार। तू हेडलाइट? राघव, ये मैं नहीं हूं, ये वही है। एक काम कर, तू मंत्र मार। अरे मंत्र मार, इसमें वश में कर इसको जल्दी से। गाड़ी का नंबर बता। तो कहाँ है राघव? गाड़ी का नंबर बता। समय खत्म। क्या चीज? हाँ, और ये राघव की घड़ी तेरे पास कैसे आई? पहले मेरा भाई अनिकेत हो रहा, और मेरा दोस्त राघव भी। तू है क्या चीज? दीपा, क्या हुआ? राघव मारा गया। मैं और राघव बाइक पे जा रहे थे और रास्ते में एक हेडलाइट दिखी। राघव उस हेडलाइट के अंदर खिंचता गया और उसके अंदर चला गया। बाइक स्टार्ट की और वहां से भागा। वो कहीं हमारे घर तो नहीं आ गया? गुमशुदा की तलाश। नाम हरीश आनंद, बिन्नी आनंद, 22B न्यू राजेंद्र नगर, जो चमोली दिल्ली हाईवे से लापता है। इनके गले में एक लॉकेट है। जी वो मैं। वैसे कब से लापता है आपके पति? 3 दिन हो गए। चमोली गए थे, शाम को यहीं घर लौट रहे थे। आते वक्त बात भी हुई थी मेरी उनसे। हेलो, बस एक 80 किलोमीटर दूर हूँ, पहुंच ही रहा हूँ। आज साथ में खाना खाएंगे, कुछ मनपसंद बना के रखना। ठीक है, जल्दी से आ जाओ। पुलिस में रिपोर्ट भी दर्ज करवाई, काफी ढूंढा उन लोगों ने, लेकिन किसी को कुछ पता नहीं चला। आपको कुछ पता है क्या? कहीं कोई एक्सीडेंट वगैरह आपने हॉस्पिटल्स में चेक किया? एक्सीडेंट होता तो बाइक तो मिलती ना, बाइक भी लापता है। आपको कुछ पता है क्या? जी नहीं, दरअसल वो मेरा भाई भी पिछले 2 दिनों से लापता है। वो भी उसी हाईवे से घर लौट रहा था। अभी तक उसका कुछ पता नहीं चला। सुना था मैंने, बता रहे थे कि और भी लोग लापता हुए उसी सड़क से। क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा। आपको कुछ पता है क्या? जी नहीं, मैं भी यहाँ इसलिए आया था कि मुझे लगा शायद आपको कुछ पता होगा। कोई नहीं जानता मेरा हरीश कहाँ पे। जानता हूँ इसको। अभी 3 दिन पहले चमोली दिल्ली हाईवे, मेरा ट्रक पीछे बिजोरी आगे। अरे उस्ताद, क्या कर रहे हो ये? बैठ, तू चुपचाप से बैठ के तमाशा देख। जा। मर गया क्या? अब मरेगा। उठा। अभी तक किसी को कुछ पता ही नहीं चला। अरे भाई चील कब्बे खा गए होंगे यार। ठीक है, चलता हूं। हेलो। हाँ, हेलो। इश्तिहार दिया था आपने अखबार में? हाँ। पापे दा ढाबा, हाईवे 72, जल्दी आ जाओ आप। वो जिनने आपके हस्बैंड को उड़ाया, वो ट्रक ड्राइवर इधर ही है, जल्दी आ जाओ आप। पापे दा ढाबा, हाईवे 72, दिल्ली जोधपुर। हेलो हेलो, कौन बोल रहा है? मर गया क्या वंशी, किधर रह गया? आया पापा जी। हेलो, कौन था? किसी ढाबे से फोन था। क्या हो रहा था कि हरीश को जिस गाड़ी ने उड़ाया, वो ट्रक ड्राइवर उसी ढाबे पे है। कहाँ वो ढाबा? पापे दा ढाबा, हाईवे नंबर 72, दिल्ली जोधपुर। चलिए आप, चलिए मेरे साथ। तो मैंने फोन किया था। हाँ, अब भी कोई 2 घंटे पहले वो ट्रक ड्राइवर इधर ही था, खाट पे लेटा हुआ, फिर अपनी ट्रक लेके निकल गया और साथ में उसका क्लीनर भी था। मतलब कह रहे थे कि सवेरे तक जोधपुर पहुंचना है। सर, वैसे तो मैंने आपको फोन पे बताया नहीं, पर उस ट्रक ड्राइवर की बातों से लगा कि जिसकी उसने गाड़ी उड़ाई है ना, वो अब जिंदा ना है। बाकी आप लोग देख लो। देखिए आप रोइए मत। उसने कौन सा अपनी आंखों से देखा है? आप चलिए उस ड्राइवर की खबर लेते, आइए मेरे साथ। अरे छोटू। हाँ उस्ताद जी। एक बात पूछूं? अरे पूछिए ना। ये बता बीवी क्या चीज होती? बीवी तो बीवी होती है उस्ताद। यार तू छोटा का छोटा ही रहेगा। अबे बीवी वो चीज होती है, एक बार देख लेना तो टिंडे भी पनीर नजर आते हैं, समझा? उस्ताद टिंडा आगे निकलने की कोशिश कर रहा है। टिंडा आने दे आने दे आने दे। इसको सीधा ऊपर पहुंचाता हूँ छोटू, तू देख। इसको देखता हूँ, चला उतर। नोड़ा भाई, इसको तो नोड़ा। भाई साहब मेरे हस्बैंड हरीश कहाँ पे है वो? यार कौन तुम यार? कहाँ है बोल? और मेरा भाई भी लापता है, कहाँ है वो? मैं कोई थानेदार हूँ क्या यहाँ का? भाई साहब मेरा हस्बैंड हरीश कहाँ है? आपकी गाड़ी से टक्कर हुई थी ना उसकी, प्लीज बता दीजिए। तुम जाओ यार, पानी तो मुझे मैं लेके चलूंगा। बोल कहाँ है वो? कहाँ है मेरा भाई? बोल कहाँ है मेरा भाई? बोल मेरा भाई कहाँ है? बोल। नहीं भाई साहब प्लीज नहीं। भाई साहब चलिए। तारू चल। चल रहा छोटू। आंख हलक में आ गई थी उनके। अरे भागते नहीं ना तो उतार देते। अबे याद नहीं तुझे कानपुर दिल्ली वाला हाईवे, वो टेम्पू? अरे उस्ताद जी वो कैसे भूल सकते हैं? खोपड़ी में गोली मारी थी, पट के नीचे गिर गई थी। और आ गया मरने। अटबे सामने से मरने आया है क्या? तो मरने का ही शौक है तो चल मैं ही तुझे ऊपर पहुंचाता। तुम ये कौन है? तेरी तो अब तू नहीं बचेगा। तो कौन है तू? गाड़ी का नंबर बता। कौन है तू? गाड़ी का नंबर बता। 466 CR 8520। मैंने कुछ नहीं किया। कौन है तुम भाई? ये तो हरीश है। अरे बिन्नी जी रुकिए, ये हरीश नहीं है, ये वही राक्षस है। हरीश हरीश मुझे छोड़ के कभी मत जाना। कहाँ जाने? रमेश जी देखो, अनिकेत मेरा भाई अनिकेत। भैया अनिकेत मेरे भाई।